बुआ जी वो कुछ सामान छूट गए रहे वही लेवे खाते नहीं। ठीक बा जा जाके ले ला जी। आ सुना कमरा में आई तहार ठीक नहीं तहरा जानकारी खातिर एक बात बता दी कि तहार पूरा पटना शहर में हमरा से बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट तोरा के ना मिली काहे कि एकर स्पेशल कोर्स हम अमेरिका से करके आई नहीं। अरे बबुआ हम सोचत रहनी है कि अरे बड़की दीदिया प्रणाम माता जी का बोल बड़की दीदिया आई ना बैठी। वकील बाबू के बहन के चेहरा इतना जानल पहचानल कहे लग रहा होगा हमारा जब जब उनका आगे देखे नहीं मेरा लगा था कि उनका से जरूर कहीं ना कहीं मिल चुकल बनी आगे हम जे जे कहीं रोवा लोग कर जाए ओकरा और फिर देखे कि कैसे वो ईश्वरवार नाक के बल चल के आवेला रोवा लोग के पैसा लौटावे। हाँ ईश्वर तू सही कहा तेरा हमार उजाइल ठीक ना हुई अभी हम का करी अब ऐसा करते नहीं कि हम दोपहर में होते नहीं ये तो ठीक रही ना। हाँ ये ठीक रही अब का करी तो घर पे भी ना रुक सके नहीं शालिनी जी आप यहाँ का कर रहे बनी ओ अभिषेक जी एक्चुअली कब बताई ना कोनो बात है। हाँ अभिषेक जी दरअसल का भेल कि आज जब हम घर से निकलत रहनिया ईश्वर के घरे जाए खातिर तब ईश्वर के फोन आ गेल और वो बतावत रहलन कि काले हमनी के घर से एगो नौकर उनका यह काम करे खातिर गइल बा और अब अगर हम ऊजा जाती तो उसे इंदू के पता चल जाए कि हम अपन एग्जाम छोड़ चुकल बानी यही से मुझे ना जा सकनी और घर पे भी ना रह सकत रहनी क्या कि ओजा भी हमरे के केहू देख सकत रहे यही से। देखी अब अगर हम यहाँ ना आई थी तो ये कुल बात की हमरा के पता नहीं चलत पर दिक्कत होना बात की है आप हॉस्पिटल आ जाती। ना ना हॉस्पिटल में पापा देख लेते। हाँ यो बात सही रहे ये तो बड़ा समस्या वाला बात हो गई पर अगर ऐसा बात भी रहे तो आप हमरा के फोन कर देती हम वहाँ आ जाती। अगर हम रुवा की सब बात बता देती तो रुवा अपन सारा काम धाम छोड़ के एजा चली जाती और फिर और हम ही ना चाहत रहने कि आप हमरा वजह से परेशान होकी वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए शालिनी जी आप जे कुछ भी सोचत रहनी ना बिल्कुल सही सोचत रहनी अब देखिए कम से कम यही बहाना से आपके साथ हमरा के वक्त गुजारे के मौका मिल गए और एकरा के हम बिल्कुल भी बेकार ना जाए दे। अब का कल जाओ कहाँ चले। हाँ एक आइडिया अब हमने के बाहर चल के कहीं ढेर सारा शॉपिंग कर जाओ। शॉपिंग ना ना बाहर क्यों भी देख सकेला क्यों के भी नजर पड़ सकेला ना। यह ठीक है एक आइडिया पिक्चर चल जाओ। पिक्चर अब शालिनी जी देखिए अब एकरा खातर मना मत करिए प्लीज चल। अरे बड़की दीदी बड़की दिया इंदू के प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। अरे कैसे ना ठीक रही बबुआ हम खुदे इंदू के घर में नौकर के लेके गए रहनी आ उ ईश्वर बानु हमरा से बहुते बतियावे के कोशिश कैलास ओकरा के त हम इतना सुनैनी हम ओकर बोलती ही बंद हो गई बबुआ। अरे उ त अभी हमरा के पहचानते नहीं हमरा से ज्यादे अझुराए के कोशिश करी करा के हम बता देती कि हम अपना भतीजी खा का कर सकेला। बड़की दीदिया एक तो रउवे बा जे हमरा खातिर इतना सोच रहल बानी
बाकी एक बार हमारी इंदु बिटिया हमारे घर वापस आ जाए फिर हमरा के और कुछ ना चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, बहुते जल्दी उ दिन आए वाला बा। और हम तारा के बता दी कि अरे हम तो ओकरा खातिर एगो अमीर लड़का देखे भी शुरू कर दे। आ तू देखी हा? एक साल के अंदर अंदर हमार इंदु बिटिया विदेश में अपना दुल्हा के राज कर राज। अच्छा बबुआ, हम तारा से एगो बात पूछे के चाहत रहनी। कौनो ना कौनो कारण बस भुला जात रहनी। अरे तो दीदिया बताई ना। हम पूछे के ई चाहत रहनी कि तू गांव के जमीन के बारे में का सोचत रह। तू तो जानते बड़ कि ऊ हमनी के पुस्तैनी जमीन बा, जेकरा के हड़पे खातिर केतना लोग आँख गड़ावले बा। मुन्ना बतावत रहल कि जे ऊ जमीन के घेराव करे खातिर चार दीवारी जो बनल रहे न बबुआ, ओकरा में सीलन आ गई बा। ओकरे के मरम्मत करावे खातिर कहत रहल। हमारा तो अब ये डर बनी कि कहीं वो दीवार गिर ना जाए। हाँ दीदिया, बाकी हम का कर सकीले। ये तो जरूरी बा गांव के जमीन के दीवार के मरम्मत करे के उकरे संभाले के। बाकी यहाँ के काम कार से हमरा के फुर्सते कहाँ मिले? कैसे करी, कैसे गांव जाके ये सब झंझट के संभाली? हमरा तो कुछ समझे में नहीं क्या आवाज। अरे बबुआ, तहरा के हमरा चिंता में डाले के मनसा ना रह, लेकिन हम हूँ का करी। कहे में तो बहुत ही संकोच लागत था, शर्म भी आ रहा था। कैसे कहीं हम तहरा से? इस साल तो मुन्ना के थोड़ा धंधा मंद चल रहा था, नहीं तो वो छोट छोट बात खातिर वो तो हमरा से कहबो ना करेला। वो खुदे दीवाल बनवा लेते, लेकिन जब वो हमरा से कहला सब तो हमरा तनी चिंता हुए। यही से हम तारा से कहतनी। अरे बड़की दीदिया, रउआ ई बात करके तो हमरा चिंता ही दूर कर देनी है। अगर ऐसा हो जाए ना तो फिर ऐसे अच्छा और कोनो बात ना हो सकेला। एक मिनट दीदिया, पैसा रखी गांव के जमीन के मरम्मत खातिर रहुआ की जरूरत पड़ी। बाकी अगर ये कम पड़े ना तो हमरा के बता दे, हम और दे दे। ठीक बाबू। बाकी बड़की दीदिया, मुन्ना से कह दिया कि वो अपन पूरा आदत के छोड़ दे और खूब मन लगा के काम करे। बस हमरा के ओकरा से ये एगो शिकायत और कुछ हो, बाकी हम ओकरा मामा बानी। अरे ओकरा के तो कुछ चिंता करे के जरूरत ही नहीं की। हाँ, और बड़की दीदिया प्लीज, कभी भी कोई बात होगी तो हमरा से निसंकोच कर दिया। हाँ? अरे आखिर ये घर तो रुपये बाना क्या? ठीक बाना। अच्छा बड़की दीदिया, हमरा के लेट होत बा, कैसे कि एगो अर्जेंट मीटिंग में जाए के बा, हम चलत है। ठीक। संकोच, संकोच तो बड़की दीदिया के शब्दकोश में है ये नहीं के। अभी तो बंडल हाथ में आई बनी, फिर देखिए ये तिजोरी, ये घर, ये पूरा जायदाद की रखवाली तो हमारे करेंगे। हरी दीदिया, रवा हमारे अलमारी में का खोजित रहनी।
दीदी जी घर में राशन खत्म हो गई बा, लावे बिना पैसा चाहे। अच्छा हम अभी लेके आओ बताने। माई एक मिनट। चला हम अभी ला के दे। ठीक बा। ईश्वर के देवे सारा पैसा तो माई के इलाज में खत्म हो गई, बस इतने ही बचल बा। अब क्या करें? अगर अभी राशन ना मंगाई नहीं तो रात का खाना खाए खातिर भी दिक्कत हो जाए। अब क्या करें? अब राशन कैसे मंगाई? ईश्वर की अलमारी में देखेगा, शायद ईश्वर की पॉकेट में कुछ पैसा मिल जाए। काहे कि ओकरा के तो आदत बा पॉकेट में पैसा भूल जाएगी। ना ना अब ये अलमारी इंदु की भी तो बा, ऐसे एकरा के खोले ठीक नहीं के। हम थोड़े इंतजार कर लेता नहीं, वो आ जाए तब देख लें। कहीं पलाइसन आज भी लेट आई तो तब कैसे कहा करें? तब तक तो मंडी भी बंद हो जाए और दुकान में राशन महंगा मिली। रवा हमारे अलमारी में का खोजित रहनी। आज जो हरकत रवा कहीं नहीं है दीदी, वो हरकत थी रवा अपने आप के हमने नजर में एकदम गिरा देने भाई। छी दीदी छी। हमारे पैसा इधर वापस देखना इंदु, ये पैसा पता नहीं कैसे नीचे गिर गए। हम तो बस ये उठा के अंदर रखत रहनिया। हम तो यहाँ ईश्वर के पैंट शर्ट के पॉकेट में पैसा खोजे आए रहनी, काहे कि शंभू के घर के राशन लावे खातिर बाजार जाए के रहे और हमारे पास ओकरा के देवे खातिर पैसा ना रहे। पैसा ना रहे? लेकिन दीदिया ईश्वर तो अपना कमाई के सारा पैसा रवे के देले रहल, तो फिर वो पैसा कहाँ हो गया? हाँ पर सारा पैसा माई के इलाज में खत्म हो गए। माई के 2 दिन के इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया दीदिया, फिर वो कहाँ करल बन? हाँ इंदु हमार विश्वास कर, हम सच कहत रानी। ऐसे हम सोचने कि ईश्वर के पैंट शर्ट के पॉकेट में कुछ पैसा मिल जाए ताकि
ओकरे के तो आदत बना पॉकेट में पैसा भूल जाए के। दीदिया हमरा के तो ये समझ में नहीं क्या आवत कि इतना का जल्दी रहे कि रेवा हमार आवे तक के इंतजार ना कर सकनी आ हमरा गैर हाजिरी में हमरा अलमारी में ताक झाक करे के पड़ गई। बोली बोली ना दीदिया। इंदु हम सोचने के तो काले हसन आज भी शायद देर से आएबू और तब तक अगर मंडी बंद हो गई तब बेकार में दुकान से दुगना दाम पे राशन लावे के पड़ी और आज राशन लावल बहुत जरूरी रहे। अच्छा तो यही से रवा सोचनी कि काहे ना इंदु के आने से पहले इंदु के पास में से कुछ पैसे निकाल के अपने पास रख लिया जाए। अरे दीदिया दीदिया हमके रहुआ से उम्मीद ना रहे। अरे अगर रहुआ के पैसा की जरूरत रहे तो रहुआ हमरा से कह देती हम रहुआ को मना ना करती। दीदिया ये पैसा हमारे मॉम डैड हमरा के हमार खर्चा खातिर देले जरूर रहलन ताकि हम ये पैसा में से घर में भी खर्च करत रहे ताकि जब देखना तब ये घर में कोनो ना कोनो चीज की कमी जरूर रहेगा। दीदिया रहुआ आज भी हमरा से मांगती ना तो आज भी हम रहुआ के मना ना करती। दीदिया अरे रहुआ तो हमरा से भी समझदार बनी ना तो आखिर रहुआ ऐसा कैसे कर सकेंगे। इंदु इंदु थोड़ा धीरे बोला कहीं ये सारा बात अगर माई के कान में पड़ गई तो माई का सोचिए। वाह दीदिया एकरे की बोले जाला उल्टा चोर कोतवाल के डाके जे करे में रहुआ तनी संकोच ना लगल वे हम कह देनी तो हम बुरा हो गई। दीदिया ये सब करे वक्त रहुआ एक बार भी ना सोचनी कि हम रहुआ लोग पर कितना भरोसा करेनी। दीदिया आज जे हम अपना आँख से देखनी है ओकरा देखे के बाद हम कैसे मान ली कि रहुआ जे कह रहल बानी वो सच कह रहल बानी। हाँ इंदु हम जो बोली वो सच है। दीदिया अरे हमरा के तो ये समझ में नहीं क्या आवत कि जे पैसा भाई इतना मेहनत से खून पसीना बहा के कमा रहल बा वो पैसा के रहुआ इतना आसानी से खर्च कर देनी दो दिन में। दीदिया हमरा के देखी इतना बड़ घर के होकर भी ये घर के आर्थिक स्थिति देख के हम अपने आप के घर के हिसाब से ढाल लें और रहुआ ये घर की बेटी होके भी इंदु हमारे विश्वास कर अगर माई अच्छा रहती हमारे पास ईश्वर के देल पैसा जरूर रहे। माई के बहाना बना के आपन उल्लू सीधा करे के जरूरत नहीं है दीदिया राहुल खर्चा कम बाका अरे माई या बच्चा के सेहत के खातिर पता नहीं दूध का फल का बादाम का किशमिश पता नहीं का लगे आप भी। अरे बुआ जी ठीक ही कहे एक विधवा औरत के इतना लालच ना करके चाहे अरे वो तो आज भी फल चाहे दूध के हाथ का लगा मिले या हम बनी ये अपना सारा शौक के गला घोट के बैठे बने ना अच्छा खाए नहीं ना अच्छा पहने नहीं ये सोच के कि चार पैसा घर में आई तो बची तो घर की तरक्की हो बाकी रहुआ लोग रहुआ लोग बचे थी तब ना हम तो एकदम तंग आकर मान नहीं सकते। इंदु हम ये सब कभी ना मंगवावे के चाहे नहीं बाकी वो तो ईश्वर। अरे ईश्वर तेरे को भाई बाण अपने बहन के बारे में वो ना सोचे तो क्या सोचे बाकी रहुआ दीदिया रहुआ भी तो कुछ फर्ज बनेला कि ना। दीदिया रहुआ तो ओकरा से समझदार बने ना अब बढ़ भी तो फिर आज वो सब ताक पे रखी रहुआ ऐसे हरकत कैसे कर सकी थी। दीदिया दीदिया आज राहुल समझदारी कहाँ चल गई आज जो हरकत रुआ करनी है ना दीदिया वो हरकत थी रुआ अपना आप के हमने नजर में एकदम गिरा दे ले बने छी दीदिया छी। ओह गॉड तो मेहनत से तो हम ये सब जमा जमा करके पैसा बचावे नहीं ओहू पे आज ही लोग की नजर पड़ गई तो अच्छा भाई कि हम समय पे आ गए ना तो पता ना कहाँ के वाला रहे। ये लोग भरोसा लायक नहीं के अजी अगर हम कहीं ना तो ये लोग हमरा के अपना जैसे मना के रखिए
कंगाल।